और मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहा था, ठीक। उसका आपका एक एग्जांपल हो चुका है, शेर जंगल में दौड़ रहा है। अब इसमें सबसे पहले ये देखेंगे, शेर एक वचन है हमारा, द लाइन, ठीक। अब इसमें सहायक क्रिया देखेंगे हम, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक। तो इसमें इज आर एम का प्रयोग होता है। एक चीज़ ये देखेंगे, शेर हमारा एक वचन है, तो एक वचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, ठीक। अब क्रिया हमारी क्या है, दौड़ना, दौड़ना की स्पेलिंग रन। मैंने एक चीज़ और बताई थी इसमें, आई एन जी का प्रयोग, तो इसमें हो जाएगा रनिंग। इसके बाद आपका मैं, इन, द, अब आपका रह गया हमारा ऑब्जेक्ट, फॉरेस्ट, एफ ओ आर ई एस टी। ये तो आपका एक वचन का हो गया, ठीक। इसके बाद देखो आप बहुवचन वाला, हम, पत्र पढ़ रहे हैं। अब इसमें देखेंगे एक चीज़ बेटा, हम बहुवचन आ रहा है तो हम की स्पेलिंग होगी बी, ठीक। बहुवचन के साथ मैंने बताया था आर का प्रयोग, ए आर ए आर का प्रयोग। इसके बाद क्रिया देखेंगे हमारी क्या है इसमें, पढ़ना, ठीक। अब पढ़ना की होगी हमारी रीड, ठीक। अब इसमें किसका प्रयोग होगा, आईएनजी, ये सब में लगेगी आईएनजी आपकी हर क्रियाओं में, ठीक। रीडिंग, अब क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, द लेटर, और लास्ट में प्लस स्टॉप, ठीक। अगला एग्जांपल देखो, वह है आज कानपुर जा रही है, ठीक। अब इसमें ये देखेंगे, वह है एक वचन है। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे, वह आज कानपुर जा रही है, इसमें लड़की है हमारी स्त्रीलिंग, तो सी का प्रयोग करेंगे हम, ठीक। अगर लड़का होता तो ही का प्रयोग, सी। अब वह हमारा एक वचन है तो इसके साथ इज, ठीक। अब क्रिया क्या है हमारी, जाना, जाना की स्पेलिंग क्या होगी, गो। अब इसमें किसका प्रयोग कर देंगे हम, आई एन जी का, ठीक, गोइंग। अब हमारा क्या रह गया, ऑब्जेक्ट टू कानपुर, ठीक। अब लास्ट में एक चीज़ रह गई हमारी, आज, ई टी सी में आता है, मैंने अभी फॉर्मूला लगाया था आपको पिछले उसमें, तो क्या रहेगा इसका, टू डे, टी ओ डी ए, समझ में आ गया बेटा, ठीक। इसके बाद एक एग्जांपल अब देख लो, मैं दिल्ली में पढ़ रहा हूँ, अब देखो इसमें मैं आ रहा है, बहुवचन है आई, अब मैंने लिखाया था आपके लिए आई के साथ एम का प्रयोग, ए एम, ठीक। क्रिया क्या है हमारी, पढ़ना, ठीक, रीड, आर ई ए डी, इसमें किसका प्रयोग कर देंगे, रीडिंग, ठीक। अब मैं, इन, द, अब क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट, डल ही, समझ में आ गया। आगे देखो, हम कल क्रिकेट खेल रहे हैं,
ठीक। इसमें देखेंगे हम, बहुवचन आ रहा है तो हम की आएगी बी, ठीक। बी के साथ हम क्या लगाएंगे, सहायक क्रिया आर, ठीक। बहुवचन है तो आर का प्रयोग। इसके बाद हमारा क्या है, क्रिया खेलना, तो प्ले, पी एल ए वाई। अब इसमें किसका प्रयोग कर देंगे हम, आई एन जी, प्लेइंग। अब क्या खेल रहे हैं हम, क्रिकेट, द क्रिकेट, सी आर आई सी के ई टी, ठीक। अब इसके बाद क्या रहेगा हमारा, ई टी सी, यानी क्या आएगा इसका, एस्टरडे, बाई ई एस टी ई आर डी ए। समझ में आ गया बेटा ये, ठीक। अब देखो एक सेंटेंस और देख लो, तुम फूल तोड़ रहे हो, ठीक। अब इसमें देखेंगे तुम, बहुवचन आ रहा है यू, यू के साथ हम क्रिया लगाएंगे आर, ठीक। अब हमारी क्या है क्रिया, तोड़ना, प्लक, पी एल यू सी के, और आई एन जी का प्रयोग हो जाएगा इसमें, प्लकिंग। अब क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट, द फ्लावर। समझ में आया बेटा, ठीक। अब आगे चलते हैं हम, इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, एन ई जी ए टी आई वी ई, नेगेटिव सेंटेंस, एस ई एन टी ई एन सी ई, ठीक। इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं हम, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक बात, ठीक। इसके देखो रूल क्या होते हैं, नियम बनाने के नियम, देखो इसमें क्या होता है। नंबर एक, एक वचन करता पिछले टर्न पर मैंने बताया था आपको, एक वचन करता क्या क्या होते हैं, ही कॉमा सी कॉमा इट कॉमा नेम, ठीक, के साथ सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, इज नॉट, इज नॉट का प्रयोग करते हैं, करते हैं। ठीक, ये तो बेटा एक वचन के लिए हो गया। इसके बाद आता है आपका नंबर दो, बहुवचन करता बहुवचन करता मैंने पिछले टर्न पर बताया था आपको, यू कॉमा बी कॉमा दे, ठीक, के साथ सहायक क्रिया आर नॉट, ए आर ई एन ओ टी नॉट का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, ठीक बेटा। इसके बाद आपका आएगा लंबा तीन, आई, आई मीन्स होता है मैं, आई के साथ सहायक क्रिया एम ए एम नॉट एन ओ टी
का प्रयोग करते हैं। ठीक, नंबर चार, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है आपका फॉर्मूला FORMULA, इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्र। देखो सूत्र क्या होता है, पहले सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट SUBJECT प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हमारी, सहायक क्रिया कौन कौन सी होती है हमारी, इज कोमा आर कोमा एम, ठीक, प्लस नॉट NOT, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है हमारा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT प्लस ETC। ठीक, अब जैसे उदाहरण देख लो बेटा, जैसे घोड़ा घास नहीं खा रहा। ठीक, इसमें हम देखेंगे सबसे पहले घोड़ा क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो क्या आएगी इसकी, द हॉर्स। फॉर्मूला के हिसाब से चलेंगे बेटा हम, ये मैंने फॉर्मूला लिखाया है अभी, इसके हिसाब से चलेंगे। सब्जेक्ट हो गया हमारा द हॉर्स, इसके बाद हमारी आती है सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया हम देखेंगे HRM है हमारी, ठीक, तो इसमें ये देखेंगे घोड़ा एक वचन है या बहुवचन, एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगाएंगे सहायक क्रिया हम, इज IS, ठीक। इसके बाद देखेंगे आगे हमारा क्या है, नॉट, नहीं की हमारी नॉट, ठीक। इसके बाद देखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, खाना, क्रिया हमारी क्या हो गई, खाना, तो खाना किस पे लगाएगी हमारी, ईट। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, ING, ठीक, ईटिंग। अब इसके बाद क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट रह गया द ग्रास। आगे बेटा समझ में, अच्छा दूसरा एग्जाम्पल देख लो, हम आज फूल नहीं तोड़ रहे। देखो अब इसमें देखेंगे हम, सब्जेक्ट हमारा हम बहुवचन है, क्या लगाएंगे, बी। अब बहुवचन के साथ मैंने बताया था आपको आर का प्रयोग, ARE। फॉर्मूला हम फिर देखेंगे, इसके बाद हमारी क्या है, नॉट, ठीक। इसके बाद देखेंगे हमारा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्रिया क्या है हमारी, तोड़ना, प्लक PLUCKING। अब इसके बाद है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फूल, द फ्लावर FLOWER, ठीक। अब लास्ट हमारा क्या रह गया, ETC यानी टूडे, TODA। आगे बेटा समझ में, ठीक। आगे देखो, मैं पुस्तकें नहीं बेच रहा हूँ, ठीक। अब इसमें देखेंगे मैं आ रहा है हमारा, आई बहुवचन है, आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे हम, AM, ठीक। इसके बाद हमारा क्या है, नहीं, नॉट, ठीक।
ठीक। इसके बाद हमारी क्रिया क्या है, बेचना। बेचना की स्पेलिंग होती है सेल, एस ई डबल एल, ठीक। सेल मीन्स बेचना, इसमें लगा देंगे हम बेटा आई एन जी, आई एन जी, सेलिंग, ठीक। अब क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट द पुस्तकें, बहुत सी हैं हमारी तो हो जाएगी बुक्स। आगे समझ बेटा, ठीक। एक एग्जांपल और देखो, वो आज गाना नहीं गा रहे, ठीक। इसमें देखेंगे वो हमारा बहुवचन होता है, तो वो की स्पेलिंग आएगी दोच, टी एच ओ दोच। अब बहुवचन के साथ मैंने सहायक क्रिया क्या बताई थी, आर ए आर ए। इसके बाद नहीं की स्पेलिंग क्या आएगी हमारी, नॉट, ठीक। इसके बाद हमारी क्रिया क्या है, गाना, गाना की स्पेलिंग क्या होगी, सिंग। अब इसमें क्या लगा देंगे हम, आई एन जी, सिंगिंग। और लास्ट में क्या रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट द सो। अब क्या रहेगा हमारा, ई टी से, इसकी आज की क्या होगी, टूडे, टी ओ डी ए। आगे समझ बेटा, अगला एक सेंटेंस और देखो लास्ट, मछलियाँ पानी में नहीं तैर रही हैं, ठीक। अब इसमें देखेंगे हम, सब्जेक्ट हमारा क्या है, मछलियाँ, मछलियाँ हमारा बहुवचन है, तो द फिशेज, एफ आई एस एच ई एस, ठीक, सही है। इसके बाद देखेंगे हमारी बहुवचन है, इसके साथ क्या लगाएंगे हम, आर, ठीक। इसके बाद नहीं की, नॉट। इसके बाद हमारी क्रिया क्या है, तैरना, तो इसकी क्या होती है, एस डब्ल्यू आई एम। अब इसमें आई एन जी प्रयोग कर देंगे, तो इसमें डबल एम लगा देते हैं बेटा, डबल एम आई एन जी, ठीक, स्विमिंग। अब क्या है, मैं इन, अब क्या रह गया हमारा, ऑब्जेक्ट द बस, ठीक। आ गया बेटा समझ में, आज के लिए इतना ही, ठीक।